बाराबंकी हैदरगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक बैजनाथ रावत का टिकट कटने के बाद भी विश्वास जताते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बाराबंकी की सभी विधानसभाओं में जाकर वोट मांग रहे। टिकट कट जाने पर कहा, पार्टी के कुछ लोग खराब हो सकते हैं लेकिन हमारी पार्टी नहीं। विधायक ने कहा, गरीब मजदूर किसान नौजवान सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनिल कनौजिया की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम, मैं हूं अनिल कनौजिया। आज हमारे बीच में मौजूद हैं जनपद के जाने माने विधायक बैजनाथ रावत जी। आज इनसे कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, मौजूदा सरकार से टिकट का अपना दावेदारी कर रहे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इन पर विश्वास न जताते हुए इनका टिकट काट कर दूसरे को टिकट दे दिया है और इनका प्रचार प्रसार में लगा दिया। इस समय मौजूद हैं रामनगर विधानसभा में, तो आइए जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो नेशनल खबर 9 में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। जनता ये जानना चाहती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत साफ है, सबका साथ सबका विकास, गरीबों का उत्थान और किसानों की तरक्की। ये हमारे जो ग्रामीण अंचल में 85% लोग गांव बसते हैं, तो गांव का उत्थान ये जनसंघ के समय से उद्देश्य रहा है। और जब से 2014 में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से गरीबों का, मजदूरों का, महिलाओं का, लड़कियों का, मतलब एक तरह से जो ये समय से, काफ़ी समय से, 70-75 सालों से उपेक्षित वंचित लोग थे, उनकी तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए तमाम योजनाएं बनाई और उनको धरातल पर उतारा। ये हमारा आज का विजन है और हम इसी के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विधायक जी, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आप कब से जुड़े और किन किन दायित्वों का आपने निर्वहन किया जनता हित में? हम 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और 1980 में ही हम सरकारी नौकरी छोड़ करके, सिद्धौर विधानसभा हुआ करती थी उससे हम चुनाव लड़े थे। उस समय चुनाव लड़ने वाले लोग हमको नहीं मिलते थे, तो चूँकि पार्टी में हम लोग सक्रिय थे और संस्थापक सदस्य थे, हर हालत में हमको संबल उतारना था क्षेत्र में। हारने के लिए चुनाव उस समय हम 80 में लड़े थे, तब से हम लगातार सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। किस किन किन पदों में रहे भारतीय जनता? हम 1991 में सिद्धौर विधानसभा से हम विधायक रहे और माननीय कल्याण सिंह की सरकार बनी थी तो हम उस समय ऊर्जा उपमंत्री बनाए गए थे। फिर उसके बाद 1993 में सपा बसपा के गठबंधन को भी हमने परास्त करके 93 में विधायक बने और उसके बाद पार्टी ने हमको 98 में लोकसभा का टिकट दिया, तो लोकसभा बाराबंकी से जीत करके हम भाजपा के पहले लोकसभा सदस्य बाराबंकी से बने। और उसके बाद 17 में भारतीय जनता पार्टी ने अब हमको टिकट दिया और हमें सर 5 साल हमने विधायकी पूरी की है। तो इस तरह से हम 3 बार विधायक रहे, 1 बार हम सांसद रहे और मंत्री भी रहे। कहीं ना कहीं तो देखा समर्पित कर दिया, आखिर टिकट कटने का कारण क्या रहा? अब वैसे हमने पार्टी से सवाल जरूर पूछ लिया है और क्योंकि इधर 5-6 जिले, यानी अगर ये अयोध्या मंडल कह दें तो वर्तमान विधायक में केवल 1 टिकट मेरा काटा गया है, जो इससे हमको असंतोष जरूर था। हम ये जानना चाहता था कि हमारी कमी बता देते तो हम उसको सुधार कर लेते, इसको लेकर के हमने सवाल जरूर पूछा है। लेकिन आज टिकट पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, वो चाहे जिसको टिकट दे और चाहे जिसका टिकट ना दे। विधायक जी, टिकट कटने के बावजूद आप भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं रामनगर विधानसभा से शरद अवस्थी के लिए वोट मांग रहे हैं गांव-गांव जाकर के, इस पे आप क्या कहेंगे? हम पार्टी से नाराज नहीं हैं, पार्टी में बैठे व्यक्ति खराब हो सकते हैं, पार्टी खराब नहीं है। जिस समय नेतृत्व में कहीं कहीं हमारा फीडबैक खराब गया होगा, हो सकता है कि हमारे कोई कमी रही हो इसलिए हमारा टिकट काटा गया हो, तो अभी तो बैठ के चर्चा का विषय होगा कभी। लेकिन हम पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, पार्टी में हैं और इसलिए पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते जिले के 6 विधायकों को जिताना हम अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। इसलिए बिना बुलाए हम पूरे ज़िले में घूम करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कन्वेंशन करते हैं और जिताने की अपील करते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? हम 2/3 बहुमत हासिल करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जन जन में बसी है, गांव का गरीब किसान मजदूर सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। केवल जो नेता हैं
जो दूसरे दल में हैं वो मंच पर अपने माइक से कुछ भी बोल जाएं, लेकिन पूरा गरीब किसान मजदूर ये भारतीय जनता पार्टी के एक साथ है। और मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2/3 बहुमत उत्तर प्रदेश में हम हासिल करेंगे और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादा किया है। समाजवादी पार्टी ऐसा जहां जैसा कि देखा जाता फरीद महफूज किदवाई जी ने भी कहा यहां पर, वो भी दावेदारी कर रहे हैं रामनगर विधानसभा से। आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट सीट यहां जीतेंगे, कितनी वोटों से लगभग जीतेंगे? देखो आलोचना की बात नहीं, हम हकीकत की बात करते हैं, जनता सब देखती है। 2017 से पहले 5-6 घंटे बिजली आती थी, अगर ट्रांसफार्मर जलता था 4-6 महीने बाद वो पैसा जब चंदा लगता था किसानों का तब आता था। जब बिजली ही नहीं आएगी तो फिर दिन कौन सवाल उठता है, जब बिजली ही नहीं आएगी। जब बिजली आ रही है लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो पैसा भी देंगे किसान, लेकिन जब बिजली ही नहीं आएगी तो टोटल फ्री कर दीजिए और बिजली मत दीजिए तो फिर क्या करेंगे, तो व्यक्ति का काम नहीं, बिजली नहीं आएगी। विधानसभा प्रत्याशी सबका प्रचार करते हैं और माननीय राजनाथ सिंह के मंच पर से हमने भी घोषणा की जिताने की अपील किया हमको।